भारत के गुजरात में जिस प्रकार से कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से संक्रमित मरीज मिले हैं, उसको लेकर पूरे देश में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अलर्ट पर आ चुका है। जबलपुर जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। वहीं क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि नए वेरिएंट को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। जबलपुर में पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध है। वहीं सरकार द्वारा जिस प्रकार से नए वेरिएंट को लेकर जैसे निर्देश मिल रहे हैं, उस हिसाब से स्वास्थ्य विभाग जिला प्रशासन कार्य कर रहा है। वहीं डॉक्टर संजय मिश्रा ने आम नागरिकों से अपील की है कि पहले की तरह मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, जिससे कि इस वेरिएंट से बचाव हो सके। वहीं जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं आपको बता दें, अब विदेश से आने वाले लोगों का भी सैंपल लिया जाएगा। ओमिक्रॉन के बहुत सारे वेरिएंट्स शुरू हो गए थे आना, जैसे B.1 है, B.2 है, B.4 है, तो वैसे ही अब BF.7 एक वेरिएंट जो अक्टूबर में प्रारंभ हुआ था बेसिकली, क्योंकि इसके केसेस पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और यूनाइटेड किंगडम में भी मिले थे। और ये जो वेरिएंट है, ऐसा बताया जा रहा है कि इस वेरिएंट के जो इन्फेक्शन से एंटीबॉडीज़ बनती हैं, वो एंटीबॉडीज़ को बहुत आसानी से परीक्षण के द्वारा पकड़ पाना मुश्किल है। इसलिए जैसे हम लोग RT-PCR के द्वारा जो डायग्नोसिस इसकी कर रहे थे, उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रारंभिक अवस्था में इसको RT-PCR के द्वारा भी हम लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं, जैसा वैज्ञानिकी अध्ययन मिला है। और इसके पेशेंट्स हमारे यहाँ, जैसा आपके चैनल्स में ही मिल रहा है देखने की, अहमदाबाद में भी मिले हैं, तो अपने भारत में भी इसका प्रवेश हुआ है ऐसा प्रतीत हो गया है, क्योंकि पॉजिटिव आए हैं केसेस। और इसके लिए भारत सरकार ने कल एक उच्च स्तरीय मीटिंग भी की थी दिल्ली में, और आज भोपाल में भी इसकी मीटिंग होनी है। इसके पहले ही भोपाल से हम लोगों को जो टेस्टिंग किट्स हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट की किट्स और VTM जो हम RT-PCR के लिए उपयोग करते हैं, वो कल ही सभी संभागों में रवाना कर दी गई हैं, जिससे पर्याप्त स्टॉक पहुंच जाए और यदि परीक्षण तुरंत शुरू करना पड़े तो संसाधनों की कमी ना होनी पाए। तो सरकार पूरी तरह से सतर्क है, लेकिन वही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो कोविड में हमने प्रोटोकॉल फॉलो किए थे, वो जनता से अनुरोध है, करबद्ध प्रार्थना भी है कि उन प्रोटोकॉल्स का उपयोग बहुत गंभीरता से शुरू कर दें, जिससे कम से कम हम लोग एक दूसरे को संक्रमण से बचा सकें। सर, संभाग में कितनी किट की डिमांड की गई है और क्या अलर्ट देखिए क्या है कि किट्स सेंट्रल सप्लाई में आ रही हैं, तो ऐसा कुछ डिमांड नहीं की गई है। उन्होंने सभी सातों संभागों को समान मात्रा में किट्स भेज दी हैं, VTM वायल भेज दी और रैपिड किट भेज दी हैं, और यदि जैसे और आवश्यकता होगी तो हम लोग डिमांड कर लेंगे।